हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक डीसी पावर सप्लाई रिपेयर होने के लिए आया है। ये हम लोग को ज़्यादातर मोबाइल ठीक करने पे यूज होता है, ठीक है। तो यह बैटरी बूस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का बैटरी बूस्ट भी होता है इससे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का बाहू कंपनी का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। सब कुछ इस जगह पे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना है, हम लोग देखिए 1 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट इस पर हम लोग का आउटपुट करता है, ठीक है। तो वो हो गया। तो देखिए इस पर हम लोग का फॉल्ट क्या है, तो फॉल्ट के बारे में चलते हैं। ये हम लोग का फॉल्ट है इस पर, देखिए मैं आपको ऑन करवाता हूँ इसको सबसे पहले, ठीक है। देखिए इस जगह पे, तो इस जगह पे मैं सप्लाई देता हूँ इसको, देखिए इस जगह पे मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग का इतना ही वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस जगह पे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये हम लोग का बढ़ तो जा रहा है, 15 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इस पर हम लोग का वोल्टेज नहीं कम रहा है। अब ये हम लोग का 8 वोल्ट होके रुक जा रहा है। ये हम लोग का 0 से लेके, ठीक है। तो 0 से लेके हम लोग का 15 वोल्ट होना चाहिए था इस पे, ठीक है। तो इसी को और आउटपुट करता था। देखिए मैं आपको मल्टीमीटर आपको लेता हूँ, इस जगह पे देखिए मल्टीमीटर पे फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए तो इस जगह पे दे देता हूँ, देखिए तो इस जगह पर हम लोग का 8 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये हम लोग का, सॉरी, देखिए इस जगह पे देखिए, तो ये हम लोग को मल्टीमीटर पर फोकस किया, 8 वोल्ट हम लोग का इस जगह पर आउटपुट कर रहा है। हम लोग का 0 से लेके 8 वोल्ट मतलब 15 वोल्ट आउटपुट करता था, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए दोस्तों, इसको तो मैं इसको करूँगा ना, तो इसको मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो हम लोग का वोल्टेज तो बढ़ जा रहा है, ठीक है। किंतु इसमें मैं घटा रहा हूँ तो वोल्टेज घट नहीं रहा है, ठीक है। इस तो ये हम लोग का मोबाइल की दुकान से मेरे पास आया है रिपेयर होने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का ज़्यादा वोल्टेज देने से हम लोग का मोबाइल भी ख़राब हो गया, ठीक है। तो एक हम लोग का कस्टमर का मोबाइल भी ख़राब हो गया ज़्यादा वोल्टेज देने पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको अब मैं इसको रिपेयर करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब ऐसे फॉल्ट आए तो आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको इसको खोलते हैं। तो मैंने इसको खोल के रखे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, चलिए इसको सप्लाई ऑफ कर देते हैं। तो ये हम लोग का सप्लाई ऑफ हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको खोलना है ऐसे, स्क्रू तो हम लोग का कितना लगे हैं, 8 स्क्रू की जगह पे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो 8 स्क्रू, ठीक है, 4 इस साइड 4 इस साइड, ठीक है। तो चलिए इस जगह पे देखिए इतना सारा धूल धूल है, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको जूम करवाता हूँ। तो इस जगह पे एक देखिए हम लोग का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये कितना का है, तो इस जगह पे देख सकते हैं, इस जगह पे हम लोग का 12 12 24 वोल्ट इस जगह पे आउटपुट करता है, ठीक है। तो कितना हम लोग का 24 वोल्ट नहीं, इस हम लोग का 15 वोल्ट देता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब मैं इसको इस जगह पे फोकस नहीं करूँगा, जहाँ हम लोग का फॉल्ट है वही मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इसको ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए इसको ओपन कर लिए, ठीक है। तो इसको निकाल के तो अब इसको देखेंगे कहाँ से फॉल्ट बन रहा है ये, ठीक है। चलिए इस जगह पर आप देख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे करके कैसे रिपेयर करूँ, ऐसे ही आप देखिए इस जगह पे देखिए, ठीक है। तो इस साइड देखिए, आपको सामने की साइड नहीं देखना है, ठीक है। चलिए इसको साइड कर लेते हैं। तो इस जगह पे सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं दूसरा पोटेंशियोमीटर व वॉल्यूम लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस जगह पे कोई से भी तो सर्किट पे फॉल्ट वॉल्ट तो नहीं है, कोई से भी देख लेना, ठीक है। कैपेसिटर फटा सब फटा तो नहीं है, ये हम लोग का ट्रांजिस्टर तो ठीक है, ट्रांजिस्टर हम लोग का सही रहता तो हम लोग का लाइट भी आ रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं ट्रांजिस्टर पे। आईसी में चेक कर लेता हूँ, नहीं सब कुछ हम लोग का ओके दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तो इस जगह पे कोई भी खराब नहीं है, कोई बात नहीं। तो इस जगह पे सबसे पहले मैं इस पोटेंशियोमीटर का चेंज करके पहले देखूंगा, ठीक है, हम लोग का वोल्टेज बन रहा है ना नहीं, ठीक है। ये हम लोग का 8 वोल्ट ही है, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले मैं इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने से पहले आपको एक फ़ोटो ले लेना, ठीक है। तो आपको याद नहीं रहने से एक फ़ोटो ले लेना। अब देखिए फोटो रहने से हम लोग का क्या होगा, हम लोग का रह गए ये हम लोग जो है इसी की भूल वायरिंग जो है आप सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आसानी से वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसको इसको पोटेंशियोमीटर को मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको निकाल देता हूँ। भाई ऐसे आप पोटेंशियोमीटर लेके देखिए कनेक्शन कैसे करना है। तो ऐसे पोटेंशियोमीटर मिलेगा नहीं मिलेगा से ना,
ठीक है, तो ये मेरे पास पोटेंशियो मीटर है नहीं, ठीक है। तो ये कितना का है, 10 का है, ठीक है। तो ये हम लोग का 10 किलो ओम्स का है ये, ठीक है, पोटेंशियो मीटर, ठीक है। तो ये पोटेंशियो मीटर 10 किलो ओम्स का है, तो कोई बात नहीं है। तो इसको देखते हैं मेरे पास है ना नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, तो मेरे पास ये जो सिंगल वाला है, तो ये हम लोग का इस जगह पे सिंगल पोटेंशियो मीटर है नहीं, ठीक है। तो इसका अलग ही है, ठीक है। तो इस जगह पे मैं डुबल चैनल का इस जगह पे लगा दूंगा, तो हम लोग का ऑन हो सकता है यदि खराब होने पर, ठीक है। तो ये मैं इसको लगा कर देखूंगा, ये हम लोग का सही हो रहा है ना नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, ये हम लोग का कितना है, 37 47, देखिए 20 47 किलो ओम्स का है, और ये हम लोग का 10 ओम, ठीक है। तो अब 10 ओम देखिए इस जगह पे आपको तो लिखा हुआ है, किंतु मैं इस जगह पे चेक करूंगा कैसे, देखिए इस जगह पे देखिए, मैं मल्टीमीटर से मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। सॉरी, इस जगह पे नहीं, मैं 200 किलो ओम्स पे रखता हूँ इसको, 20 सॉरी 20, 200 किलो नहीं, 20 किलो ओम्स। देखिए इस साइड साइड से देना है, तो ये हम लोग कितना दिखा रहे दोस्तों, 10 है। तो वो जगह पे देखिए 6 जगह पे 6 किलो ओम्स, ठीक है। तो और 6.5 किलो ओम्स के इस जगह पे आसपास दिखा रहा है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, देखिए ओम्स कम ज़्यादा हो सकता, कोई भी मैंने फैक्टर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम लोग देखिए थोड़ा सा घुमाने पर हम लोग का 10, देखिए मान के चलिए अभी 5 वोल्ट है, मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ तो ये हम लोग का 10 वोल्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग देखिए, मान के चलिए अभी 5 वोल्ट है, इसको ज़्यादा घुमाने से 10 वोल्ट आएगा इस पे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही करके दे दूंगा, देखिए जैसे थे ऐसे ही, ठीक है। तो एक एक कनेक्शन खोल के इस सेट लगाना, एक एक कनेक्शन करके इस जगह पे लगाना, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले तो एक एक कनेक्शन खोल के एक एक कनेक्शन मैं इस जगह पे लगाऊंगा, ठीक है। तो आपको सिखाने के लिए अब भूलना नहीं पड़ेगा ये कनेक्शन पे, ठीक है। सॉरी, इस तरह काला ब्लैक पड़ गया ये, देखिए। तो जब भी हम लोग का सोल्डिंग आयरन में ब्लैक जो पड़ जाए ना, तो जगह क्या क्या कारण है, सर बहुत हीटिंग है तो इसलिए, सॉरी। तो इस जगह पे मैं इस जगह पे फिक्स करूँगा, तो ये हम लोग का डुबल चैनल का सिंगल चैनल भी काम करेगा ये, ठीक है। चलिए, यदि इसका यदि प्रॉब्लम रहे तो, ठीक है। तो अब दूसरा का प्रॉब्लम रहे तो ये तो हम लोग का कुछ भी नहीं कर सकते, मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। हम लोग का पोटेंशियो मीटर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। नहीं बोलूँगा नहीं होगा, ख़राब हो सकता है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इस जगह पे इसको फिक्स कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको अब एक साइड रखते हैं, इसको अब देखते हैं। तो इस पर सप्लाई देने के बाद, हाँ, तो देखिए इस जगह पे हम लोग का फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए, इस वोल्टेज भी देखिए, तो मैं इस जगह पे घुमा रहा हूँ एक एक करके, देखिए देखिए, ठीक है। तो जी मैंने बोला था 0 से लेकर हम लोग का 15 वोल्ट इस जगह पे आउटपुट करेगा, ठीक है। तो इस जगह पे देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो देखिए 15 वोल्ट हो गया इसे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, इस जगह पे मैं अच्छे से इसको सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो इसका देखिए पोटेंशियोमीटर का हम लोग का इस जगह पे खराब था, ठीक है। इसका हम लोग का पोटेंशियोमीटर खराब था, तो इस जगह पे अच्छे से फिक्स कर देना है आपको। तो ये हो गया, ठीक है। तो डुबल चैनल का कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको फिक्स कर देना जैसे थे वो सही।
देखिए तो ये जगह पे मैं फिक्स कर देता हूँ इसको टाइट, ठीक है। तो देखिए ये जगह पे टाइट मैंने कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं देखिए ये जगह क्या लगाऊंगा। देखिए इसके बदले में पहले इस जगह पे ये था, ठीक है। तो इस जगह पे तब ये नहीं होगा, ठीक है। अभी क्यों नहीं होगा देखिए इस जगह पे, देखिए इस जगह पे इसका जो मोटा है, इसका जो प्रिंट है इसका मोटा है, ठीक है। तो इस जगह पे देख सकते हैं, तो इसलिए मैं इस जगह पे ये वाला लगा दूंगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होने की बात नहीं है इस पर, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का हो गया, तो कस्टमर ये ऐसे ही चलाएगा, ठीक है। तो ऐसा पोटेंशियोमीटर मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको ही लगा देता हूँ। चलिए इस जगह पर आपको चेक करवा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए तो ये जगह देखिए मैंने सप्लाई दे दिया दोस्तों, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए तो हम लोग 15 वोल्ट हो गया इस जगह पे, देखिए 0 से 15 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए 3 पॉइंट, तो ये हम लोग का 3.6 वोल्ट, ठीक है। तो हल्का सा कम ज़्यादा करेगा तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। तो मैं इसको लगा लूँगा, ठीक है। इस पर मैं बाद में लगा लूँगा, भी लगा लूँगा, तो मैं इसको वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस जगह पर इतना ही।